आजकल सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन इस मौसम में धूप में तो आप नहीं खड़े हो सकते हो, और ये बहुत ही बिजी रोड है, फुल टाइम इसमें कोई ना कोई गाड़ी चलती रहती है। और सबसे अच्छी बात है सुबह की कि सुबह ना पक्षियों की इतनी अच्छी आवाज़ें आती हैं, इससे अच्छा कोई म्यूज़िक हो ही नहीं सकता। तो मैं इस मौसम को बहुत इंजॉय करती हूँ। क्या कर रही हो? रोनिया ये रजाई डाल दो। वैसे ये है ना 8 लीटर वाले में ये है, ये चली जाती है आराम से ना। पिछली वाली कौन सी दी थी? 6 लीटर 6 kg की थी। 6 kg? ये हाँ 8 kg, 8 kg में ये वाले चले जाते हैं। धूप कितनी हो गई ना, अब धीरे धीरे ठंडे कपड़े सारे रखने पड़ेंगे। नहीं हाँ नहीं, मतलब अब धो के रखने पड़ेंगे ना, ये बोल रही हूँ पैक करके। मैंने तो रख दिया अपने। रख दिया है तो कोई पहन भी नहीं सकता, जो पहन ले मतलब अलग ही लेवल पे दिखेगा। चलो ये कर लो फिर आ रात को जाना, तो होती है ठंड, वो तो पंखा खोलते ना तो लगता है। चलो कर लो फिर आना। ओके। फेस्टिवल्स में ना पूड़ी और छोले ये ऑयली फूड खा खा के बहुत तंग हो गए थे, तो आज मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी के बाद के साथ जो अनियन और वेनेगर और चिली का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आता होगा। और इसको थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे, कि होता है ना कि कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं तो खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, और इसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए आप रख दो, जिसमें कि जो अनियन है उसमें वेनेगर अच्छे से सोक हो जाए, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये ग्रीन खिचड़ी जो तैयार हुई है, ये ग्रीन खिचड़ी तैयार हुई है, ये बनाई गई है इनके लिए और इनके लिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा सब्जी फल खा नहीं रहे, इन्हें बीज वाले फल बहुत पसंद है, तो अभी वाटरमेलन अमरूद ज़्यादा मिल नहीं रहा है, और ये खिचड़ी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत खुशी से खाते हैं ये वाला खाना तो, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब कोई भी आपके खाने को एंजॉय करे, चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड बच्चे या ये दोनों। तो ये तैयार हो गई मैं हमारी देसी थाली, जिसमें कि कोई टेंशन नहीं है, रायता रख दिया, अनियन रख दिया, चटनी रख दी, और ये गर्मा गर्म खिचड़ी, और बस गार्निशिंग के लिए थोड़ा इसमें घी अच्छे से डाल दो। बस आ गया मजा हमारे खाने का। रोहन खाना ले लो भाई, ये गुमशुदा की तलाश वाली फोटो नहीं खींच रही है, खाना ले लो चुपचाप। थैंक यू। बड़ी कम खिचड़ी हुई, सही किया, मुझे भूख है नहीं ज्यादा। तुमने बोला था छोले भटूरे खाने के लिए, ठीक है, तो अभी तुम्हें 1 घंटे बाद वो देना ही पड़ेगा। 1 घंटा इतना थोड़ी खाता हूँ मैं, वो मत करो मुझे। ऐसे अच्छा लग रहा है, हाँ देखने में तो सुंदर लग रहा है, चटनी बड़ी सुंदर लग रही है। बनाया किसने, चल एंजॉय करो। रोहन की ये दही भल्ले की प्लेट तैयार हो गई है, और अभी वो चाय पिएगा नहीं इसलिए मैं उसको ये दे के आती हूँ, और फिर मैं अपने लिए क्विक चाय बनाती हूँ। रोहन चीजें ना ठीक से रख दिया करो, ठीक है, जैसे पिलो रखी होगी वैसे ही कुशन रख दिया करो। सॉरी मम्मी, बड़े शरीफ हो गए हो तुम, लॉक के सामने होना पड़ता है। अच्छा मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना घर का बेटा, कोई आए आंटी वंटी तो खोल देना दरवाजा, है ना, पूछ लेना क्या बात है कैसे क्या। अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं खोलता नहीं हूँ जैसे दरवाजा? नहीं मतलब सो मत जाना अभी तो, खैर टाइम है, 1 घंटा है हाँ अभी तो टाइम है ना फिर। और मुझे विश मी बेस्ट ऑफ लक, फॉर व्हाट, बहुत बहुत जरूरी काम पे जा रही हूँ। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू, और बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट और साथ में लेके जा रही हूँ। यहाँ बेसमेंट में बहुत अंधेरा था तो शूट करना इतना मुश्किल हो रहा था, पर मैं एंजॉय कर रही हूँ इस तरह से शूट करना। कभी कभी यकीन नहीं हो पाता कि मैं भी ये सब कर सकती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, काम जिस काम से आए थे वो काम तो हुआ नहीं, तो बस बैक टू घर, थोड़ा सामान लेना है वापस जाते समय, लेके फिर मैं घर चलती हूँ।
वेज रैप्स हुई है। पार्डन, 3 वेज रैप्स। यहाँ का किचन बहुत ही ज़्यादा साफ़ था, तो मतलब देख के अच्छा लगता है कि हाँ ऐसी जगह से लेना भी अच्छा लगता है कि मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और सच में यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। अब मैं पैरेट्स के लिए लेने जा रही हूँ फ्रूट्स, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैं लेने तो आ गई वाटरमेलन, पर मुझे पता ही नहीं था कि इसमें कच्चा कौन सा है और पक्का कौन सा, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैं उसको बुला के लाई कि मैंने कहा भैया बताओ इसमें पक्का और कच्चा कौन सा है। और मुझे स्टीविया भी लेना था और लेकिन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था, कुछ और भी चीज़ें थी, मेलन जैसे नहीं मिला और स्टीविया भी नहीं था, तो फिर मैं ऐसे ही आ गई मेलन लेकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? अभी मैं मार्केट गई थी और मार्केट जाके पता है क्या हो गया रोहन? क्या? मैंने स्कूटी दूसरी जगह पार्क कर दी और मैं धुरुड़ू दूसरी जगह रही तो थी। पता ही है, मुझे ही बुलाया आपने फिर। हाँ मैं बहुत पता है बहुत डर गई। मैं वहाँ 4-5 लोगों से पूछ रही थी कि स्कूटियाँ चोरी होती है क्या। हाँ। फिर मुझे हल्का सा ना क्या लोगों ने क्या बोला? नहीं। हाँ क्या तो एक बंदा सोचा कि मैं कहीं ये मुझ पर तो ब्लेम नहीं कर रही है, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं अभी आया हूँ। तो मैं मुझे लगा कि नहीं, जब चल रही थी तब मेरे पैर में दर्द हो रहा था, ठीक है, तो मैं स्कूटी लेके ही सोच रही थी लेके चलूं। हाँ फिर मैं वहाँ पे गई धीरे धीरे करके, फिर मैंने हर कार के बीच में देखा तो वहाँ पे ही रखी थी, पता है, मिल गई फिर। मिल गई। हाँ फिर मैं तेरे कॉल भी करी थी फिर भी तुम आ गए तो एक्टिवा, मैं एक्टिवा चलाते हुए फोन थोड़ी उठाऊंगा आपका। तुरंत ही मैंने कॉल किया था, तुम्हें कॉल बैक किया देखा, था। मैं कितनी तुरंत निकला, देखो मेरी मम्मी को कुछ लगा। कहाँ जा रहे हो सर? लाइट एक तो बंद कर दो, दोनों तरफ से चमक रहे हो। अरे मैं हूँ इतना शाइनिंग। कहाँ जा रहे हो? खेलने। परसों मैच का है और फिर ये मत बोलना कि मेरे पैरों में दर्द है, ये है वो है। मैंने आज तक बोला आपको? देते हो बिल्कुल, बोलते तो हो ही, भले मैं दबाऊं ना दबाऊं। नहीं मैं, मैंने नहीं बोला आपको। चलो अभी खाओगे? एक खा लो। हाँ चलो खा लो। चलो मैं भी वॉक के लिए निकलती हूँ, है ना, फिर दोनों वापस आके मिलते हैं। तुम जल्दी आ जाना, मेरे इंतजार पे मत रहना, ठीक है? और पता है आज मैं जिस काम के लिए गई वो काम भी नहीं हुआ, आज तो मेरा पूरा दिन ही गड़बड़ निकल गया। तुमने ऑल द बेस्ट नहीं बोला था ना मुझे? बोला था, हैंडशेक भी किया था। लेफ्ट हैंड से क्या होगा, राइट हैंड से नहीं है? मैं तो हमेशा राइट से। चलो खैर कोई काम नहीं हुआ, चलो फिर मैं वॉक के चल के लिए जाती हूँ। पता है पहले ये सीड्स खाएंगे इसके सारे। एक्साइटेड है बहुत दिन बाद, मैं लाई भी इसीलिए आज। फेवरेट है ना वाटर? हाँ। वाटरमेलन और मेलन के जो सीड्स होते हैं ना, हाँ वो बड़े प्यार से खाते हैं। सीड्स ही ढूंढ रहा है। सीड्स अभी मिल नहीं रहे ना बहुत सारा, मेलन था नहीं, मेलन का भी ये कैसे चीना मिलेगा? अरे यार ये भी तो बच्चे हैं ना, इनका ध्यान रखना पड़ता है, मेरे बच्चों को, है ना। हेलो 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 नहीं करना। हाँ अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मुझे अपना व्लॉग एंड करने के लिए यहाँ आना पड़ा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई गट्टू। विकास अपनी जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी कहा कि कोई नहीं अगले साल मैं भी साथ में होंगी। इस बार क्या था कि रोहन के एग्ज़ाम्स थे, तो किसी न किसी को तो रुकना ही था उसके साथ। तो खैर हैप्पी जर्नी।